गायिका अनुराधा पौंडवाल की बेटी होने का दावा करने वाली महिला ने हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के लिए याचिका डाली थी, पर केरला के तिरुवनंतपुरम कोर्ट में ही इस याचिका की सुनवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को तिरुवनंतपुरम से मुंबई में शिफ्ट करने के लिए पौंडवाल की याचिका पर 46 वर्षीय महिला को नोटिस जारी किया है। महिला ने तिरुवनंतपुरम की अदालत में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि वह प्रसिद्ध गायिका की पुत्री है। उसने कथित तौर पर सही बचपन और जीवन नहीं मिलने के लिए अपने जन्म देने वाले माता पिता से 50 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की। शहर निवासी कर्मला मोडेक्स ने दावा किया था कि पौंडवाल ने उसे 1974 में पुनाचन और ऑग्नेस नामक दंपत्ति को सौंप दिया था, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया। दावा किया गया है कि पौंडवाल अपने काम में व्यस्त रहती थी और उस समय संतान नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। मोडेक्स के वकील ने कहा था कि उन्होंने मामला दर्ज कराने से पहले गायिका से संपर्क की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिला। तिरुवनंतपुरम की जिला परिवार न्यायालय ने पौंडवाल और उनके दोनों बच्चों से 27 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। मोडेक्स ने मांग की है कि उसे पौंडवाल की कानूनन पुत्री घोषित किया जाए। अब इस मामले में आगे क्या होगा वो तो कोर्ट के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। SPN 9 न्यूज से लता की रिपोर्ट।